तो जिस तरीके से मलिका यहाँ पर बुलेट से एंट्री मार रही है, कुछ इसी तरीके से बुलेट ट्रेन की एंट्री का इंतजार है। मलिका, आपको लग रहा है कि अब बुलेट और बजट इन दोनों की रफ्तार मिलेगी? उम्मीद तो है, देखिए उम्मीद तो है, लेकिन मैं फिलहाल ये बुलेट चलाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि आज हम दिन भर हमने यहाँ पर गांव में बिताया है, गांव वालों के साथ बिताया है, और इनके रंग में हम लोग रंग चुके हैं पूरी तरह से। आपको गांव का हर एक रंग हमने दिखाने की कोशिश करी है, साथ ही आपको थोड़ी देर पहले मैं ट्रैक्टर पे भी दिखी होंगी, आज मैं बुलेट चला रही, क्योंकि बात यहाँ पर तेल के दाम की भी हो रही थी अक्षय। लेकिन एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, गाँव की सड़कों पर बुलेट चलाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोरोना काल में बजट चलाना भी उतना आसान नहीं था, क्यों प्रत्युष? मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, इस कोरोना काल में बजट के लिए काफी तैयारी थी। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी तैयारी कठिन थी, लेकिन देखिए कहते हैं ना कि अगर आप कोशिश करते रहिएगा तो सब चीज हो जाती है। कोशिश कीजिए, एक बार फिर से कोशिश कीजिए। मलिका अभी तो आप अच्छा चला रही थी बुलेट। मैं अच्छा, एक चीज मलिका, एक चीज आप प्रत्युष शक, आप शक मत जताइए, इस देश में एक महिला जो है पूरा बजट संभाल सकती है, पूरे देश का खर्चा चला सकती है, तो बुलेट क्यों नहीं चला सकती? चीज नहीं है, लेकिन क्या है ना कि हर बुलेट का अपना अपना चलाने का। ये देखिए बुलेट चल पड़ी है, तो मलिका की बुलेट चल पड़ी है, लेकिन बजट से किसकी किसकी गाड़ी रफ्तार से चलेगी ये देखने वाली बात है। प्रत्युष, मैं चाहूंगा अब यहाँ पर जो देखिए ये चौपाल सजी हुई है, इस चौपाल में हुक्का भी है और यहाँ पर प्रधान जी भी हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं। प्रधान जी पहले एक चीज बताइए, मलिका की बुलेट तो आराम से चली है, अब आपको लग रहा है कि जो बजट पेश हुआ है उसके बाद हमारी गाड़ी आपकी गाड़ी आराम से चल पाएगी? हमारी गाड़ी न चल रही, किसान के लिए कुछ भी न कर रही सरकार, बेकार की बात है। डीजल पे भी पैसा बढ़ गई और पेट्रोल पे भी पैसा, लेकिन मैं उसको साफ कर दूं कि सरकार ने ये साफ किया है कि आपकी और मेरी जेब नहीं कटेगी, तेल कंपनी और राज्य सरकार से वो पैसा लिया जाएगा जो जोड़ा गया है, ताकि किसानों के हित में बेहतर काम कर सके। किसानन के हित में कुछ ना हो, खाली जुमलेबाजी हो रही है, कोई काम ना हो रहा किसानन के हित में, टोटल जुमलेबाजी का काम है। आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं ना बोलना चाह रहा कुछ नहीं। कुछ भी नहीं, जैसे एक लीटर तेल लेंगे हम तो ऊपर को जो पैसा बढ़ा हुआ गवर्नमेंट दे देगी हमें। बिल्कुल, वो आपको नहीं देगी, वो उसी अपना अपना मुनाफा कम करके वो उस टैक्स को वहाँ पर भरेगी अपना, तो ठीक है ना, जब जो पैसा बढ़ गया वो तो हमारी जेब से जाएगा ना। नहीं 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 नहीं, मैं कंफ्यूजन आपका दूर करूंगा, लेकिन उससे पहले आप आइएगा मेरे सामने, आप आइए, आप इसी गाँव से? हाँ जी, इसी गांव से हूँ। तो आज आपने बजट देखा, युवा होने के नाते आपको लग रहा है कि उम्मीदों वाला बजट है, क्योंकि खासतौर से कोरोना के समय ये बजट आया। बजट ठीक होता तो आप क्यों ये पहरेदारी करते घूमते हैं? अगर सब कुछ ठीक होता तो आप इतनी टेंशन नहीं। तो मेरा काम है, मैं तो बजट अच्छा हो बुरा हो मैं तो आपके बीच ही होंगे। कुछ ना कुछ इस बजट में दिक्कत है, तभी तो आप लोग भी इधर उधर घूमते फिर रहे हो, कुछ ना कुछ तो समस्या है ही। नहीं नहीं, समस्या ना हो यही तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। मलिका, आप वहाँ अकेली खड़ी है, मैं चाहूंगा कि आपसे बात कर। प्रत्युष, अच्छा आप बुलेट नहीं छोड़ना चाह रही हैं मलिका, इस बुलेट से जो मोहब्बत है। अच्छा, भाटी साहब ये बताइए, ये बताइए अक्षय, जरा भाटी साहब से ये पूछ लेते हैं। हाँ भाटी साहब, अब देखिए मैं चाहूंगा उधर 16 लाख करोड़ रुपए कृषि के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बजट में प्रावधान, आप लोग कह रहे थे कि ये बजट अगर इंप्लीमेंट हो गया तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी। हाँ, मैं तो पहले भी कह रहा था और अब भी कह रहा हूँ, अगर ये पटल पर, धरातल पर, जमीन पर अगर लागू होता है तो किसान के जैसे खेत लहर रहे हैं, चेहरे भी लहरेंगे और किसान के लिए इससे बड़ी बात ही, लेकिन पटल पे तो हो, जुमलेबाजी तो बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं और सभी सरकारें, मैं इसी सरकार के लिए पीछे से पिछली जो सरकारें हैं उनके लिए भी कहना चाहूंगा कि किसान के लिए तो किसी ने किया ही नहीं, और जो इस सरकार ने किया है तो इसका धन्यवाद करते हैं हम। लेकिन डाउट क्यों हो रहा है आपको, जब इतनी सारी योजनाएं पीएम, जब पीएम भी खुद कह रहे हैं? ये डाउट तो हम पूछेंगे कि देखिए डाउट तो होता है जब किसान से ज्यादा बेहतर डाउट को कोई नहीं समझेगा, जब वो बीज बोता है तो उससे नहीं मालूम होता है इसमें फल कौन से कितना निकलेगा, क्या क्वालिटी होगी, लेकिन उसके बावजूद वो आशान्वित होता है, बजट से कितनी आशा है ये हम जानेंगे। प्रत्युष, लेकिन एक एजुकेशन बजट जो है पैकेज है, देखिए हम कृषि पर भी बात कर रहे हैं, शेयर मार्केट की भी बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं एजुकेशन की, हेल्थ सेक्टर की, तो एजुकेशन सेक्टर में क्या कुछ प्रावधान किए गए, इस बजट में क्या दिया गया है, वो भी आपको देखना और समझना बेहद जरूरी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एजुकेशन सेक्टर पर खास ध्यान दिया है, देश में शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर बल दिया गया, देश में एनजीओ और राज्य सरकारों की मदद से 100 सैनिक स्कूल खोलने का ऐलान किया गया है, लद्दाख में हायर एजुकेशन के लिए लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया गया, आदिवासी इलाकों में 758 एकलव्य मॉडल स्कूल सुविधाओं के सुधार पर बल दिया गया, अनुसूचित जाति के 4 करोड़ बच्चों के लिए 6 साल में 35,219 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है,
आदिवासी बच्चों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप लाने का ऐलान भी किया गया। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया गया है। विद्यालयी शिक्षा 15,000 से अधिक विद्यालयों में गुणवत्ता की दृष्टि से सुधार किया जाएगा ताकि वहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी घटकों का अनुपालन हो सके। वित्त मंत्री ने नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी बिल लाने का ऐलान भी किया। इसके अलावा गुड गवर्नेंस ट्राइब्यूनल रिफॉर्म की बात भी कही गई है। तो ये देखिए किस किस सेक्टर में सरकार ने क्या क्या ऐलान किए हैं इस बजट में, वो हर एक चीज बारीकी से और बिल्कुल सरल भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज सुबह से ही हम यहाँ पर दनकौन गांव में हैं, यहाँ पर किसानों से बात कर रहे हैं और इन्हीं से समझेंगे। देखिए हेल्थ सेक्टर के लिए भी बहुत कुछ किया गया, एजुकेशन सेक्टर के लिए भी। अब ये बताइए कि सारी चीजें तो बैलेंस तरीके से चलेंगी ना? हमारे यहाँ क्या हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। हमारे यहाँ क्या हो रहा, क्या अब तक क्या नहीं हुआ, एक भी चीज नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई। किसान के लिए क्या हुई, किसान इतने सालों से 70 साल से सब कुछ हो रहा था, अब अचानक से बंद क्या हो रहा है? 70 साल से आपसे अब क्या कर दिया दे दिया कुछ सरकार ने बजट किसान के लिए क्या दे? अच्छा ये मुझे लग रहा है हम चुनाव के मुद्दे में पहुंच जा रहे हैं। नहीं नहीं, बजट से देखिए सवाल होता है अच्छा कि अब तक कुछ भी नहीं हुआ, अब तक कुछ भी नहीं हुआ तो फिर ये होगा। एक चीज मैं आप सज्जन के लिए पहले मैं चाहूंगा आप लोग एक बार ताली बजाइए। देखिए इकलौते इंसान है जो मास्क लगा के बैठे हुए हैं, पहली चीज तो ये। आप कुछ अलग सोच रहे हैं इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आप हमें सीख भी दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि बजट से वो सीख मिल रही है कि हाँ भाई जो सक्षम है उनसे लिया जाए और जो सक्षम नहीं? मुझे कुछ नहीं पता है अभी। अच्छा। आज हमारी बेटी की सगाई थी, उसमें व्यस्त थे, शाम को पढ़ेंगे। सोना सस्ता हुआ, बेटी की सगाई के बाद शादी में आपको राहत मिली? मैं बता रहा हूँ सोना सस्ता हुआ तो आपको लग रहा है कि हाँ ये अच्छा मूव है? ये एग्जैक्ट तो मुझे नहीं मालूम है। वही तो बात कर रहा हूँ मैं आपसे कि जब देखेंगे जब बात करेंगे उसको। अच्छा ये बजट की बारीकी को भी लोगों को पढ़ना पड़ेगा, समझने में टाइम लगेगा। ये भाई साहब तब से ये हुक्के की गुड़गुड़ी मारे जा रहे हैं। बजट के बारे में कुछ पता भी है कि नहीं आज क्या हुआ? नहीं मुझे मालूम नहीं है। खाली हुक्के में ही आप? नहीं हम आपकी सेवा में आज हमने बजट देखा। एक बात तो है अक्षय और मल्लिका कि यहाँ पर गाँव वालों ने आज देखिए बहुत ख्याल रखा है हमारा। हाँ। सबसे पहले तो ये जो साफा सुबह से हमारे सिर पर है, ये साफा जो इन्होंने बांधा था, इस मोहब्बत को उतारना भी हम नहीं चाह रहे क्योंकि जो मोहब्बत है ये सही बात है। ये घर तक जाना ये आपका सम्मान है। हाँ ये आपका सम्मान है और पूरे जी नेटवर्क का सम्मान है। अच्छा देखिए सम्मान की जो बात है ना सर, मैं पैसिफिक मॉल दिल्ली का रुख करूंगा, लक्ष्मी वहां है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा। सम्मान की बात की जा रही है तो प्रधानमंत्री ने कहा कि जो बजट है ना, इस बजट के दिल में किसान है, उसको देख के बजट बनाया गया। ये सम्मान आपको दिख रहा है कहीं? देखो जो चीज धरातल पे आएगी, अभी आज बजट आया है तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सरकार तो करती है पर पटल तक वो नहीं, जमीन तक नहीं आ पाती हैं, तो वही स्थिति हर बार रहती है कि बीज बोते हैं कभी कभी फसल होने के वक्त ओले पड़ जाते हैं, तो इस बार ओले ना पड़े भाई, इस बार मौसम सब कुछ है। हाँ भ्रष्टाचार को ये तमाम मुद्दों से हम बात करेंगे, लेकिन एक बार फिर से लक्ष्मी का रुख करते हैं। पैसिफिक मॉल में गाँव तो हमने दिखा दिया, शहर में क्या उम्मीद है, क्या रिएक्शन है? लक्ष्मी बताइए जरा। बिल्कुल अक्षय, देखिए बजट 2021 से नौकरी पेशा लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लोगों को लग रहा था कि इस बजट से उनको काफी कुछ मिल सकता है, लेकिन जब बजट सामने आया तो जाहिर है कि लोगों के हाथ उतनी उम्मीदें पूरी होती हुई नजर नहीं आई है। थोड़ी सी निराशा जरूर हुई है क्योंकि टैक्स स्लैब की छूट की जो बात की जा रही थी वो यहाँ पर राहत सरकार ने इस बार नहीं दी है। ये रिपोर्ट देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के तीसरे आम बजट से नौकरी पेशा लोगों को मायूसी हाथ लगी। इस साल इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी इनकम टैक्स छूट की सीमा पहले ही की तरह 2.5 लाख रुपए तक ही रहेगी। 2.5 से 5 लाख तक की इनकम पर 5% टैक्स देना होगा। 5 से 7.5 लाख तक की आय पर पुराने स्लैब में 20% और नए स्लैब में 10% टैक्स देना होगा। 10 लाख तक की आय पर पुराने स्लैब में 20% और नए स्लैब में 15% टैक्स देना होगा। 12.5 लाख रुपए तक की आय पर पुराने स्लैब में 30% और नए स्लैब में 20% टैक्स देना होगा। 15 लाख तक की आय पर पुरानी स्लैब में 30% और नई स्लैब में 25% टैक्स देना होगा। 15 लाख से ज्यादा की आय पर दोनों ही स्लैब में 30% टैक्स देना होगा। 75 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनधारियों को ITR फाइल करने से छूट दी गई है। नए दशक का पहला बजट पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस बजट रहा। तो देखिए आम लोगों की जो उम्मीद थी सरकार ने कई हद तक पूरा करने की कोशिश की, लेकिन नौकरी पेशा लोगों का जो हमने जिक्र किया कि देखिए टैक्स स्लैब में कोई छूट नहीं दी गई है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको एक अंदेशा था कि हो सकता है कि हमारे प्रोडक्ट पे कहीं और
ये देखिए हमारे साथ, मैं कॉस्मेटिक की शॉप पर हूँ, इनसे ही बात कर लेती हूँ। सर आज जो आया है बजट, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया, क्या उम्मीद थी और कितना पूरी हुई, कितना रह गया? मैम बजट के हिसाब से बता दो, बजट के हिसाब से तो हमें ऐसा लगता है कि शायद कॉस्मेटिक्स में जो हमने अभी पीछे बुरे दिन देखे हैं, तो शायद ये आगे हमारे आने वाले टाइम में अच्छे दिन होंगे, क्योंकि कॉस्मेटिक्स में जब तक वैक्सीन नहीं आई थी तो सब लोग मास्क लगाते थे, हम कहते मैम आप लिपस्टिक ले लो, तो लोग कहते ये मास्क लगा मिक्स की क्योंकि कमी, हम लिपस्टिक नहीं लगाते हैं। तो अब उसके बाद हमें ये लगता है कि जैसे ही मास्क हटकेगा तो ये लिपस्टिक लोग लेना परचेज करेंगे, उससे हमारी कॉस्मेटिक्स में काफी उछाल आएगा। देखिए 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 यहाँ पर अक्षय, आपने सुना लिपस्टिक, जाहिर है कि बहुत महंगी भी होती है, जब ब्रांडेड लिपस्टिक आप लेने जाते हैं तो काफी महंगी होती है, और जब मास्क लग जाता था तो जाहिर है कि उसकी जरूरत बहुत नाके बराबर हो गई थी, और इसलिए इन लोगों को कहीं ना कहीं मुश्किल भी हो रही थी। लेकिन जब वैक्सीन आ गई है तो उम्मीद बढ़ रही है कि कॉस्मेटिक सामान कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेगी, बिक्री बढ़ेगी, जाहिर है कि लोगों को उम्मीद जगी है। रोहित इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। रोहित, क्या कुछ और बड़ी खबर इस वक्त आपके पास? बिल्कुल लक्ष्मी, बता दें बड़ी खबर तो यही है कि बजट पेश हो चुका है, और बजट पेश होने के बाद देखिए चौपाल में क्या कुछ हो रहा है, वहां की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। मॉल में आप खुद मौजूद हैं, लिपस्टिक से लेके ब्रांडेड कपड़ों की भी बात आपने कर ली, ब्रांडेड जूतों को भी आपने दिखा दिया कि भाई कैसे पहनना है। लेकिन अब सवाल यह है कि इस बजट के बाद आम आदमी को क्या मिला? तो आम आदमी कहता है भाई हमें तो कुछ मिला नहीं, टैक्स में तो कोई रिबेट मिली नहीं। कपिल साहब भी जुड़ चुके हैं। अब देखिए टैक्स के ऊपर बात हो रही है, जो मिडिल क्लास मैन है, जो अर्नर है, अभी एक बाइट बड़ी अच्छी सुनी थी हमने, कहा कि भैया बेटा जो है उदास है और बाबूजी खुश हो गए हैं। तो बाबूजी जो खुश हुए ना 75 साल की उम्र में, उनको टैक्स में जो बेनिफिट मिल रही है ये चीज़ें, 65 भी तो हो सकता था, क्या ये सही लग रहा है कैलकुलेशन? देखिए कैलकुलेशन तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सही है, बट इस कोरोना काल में मुझे नहीं लगता था गवर्नमेंट के हाथ में बहुत कुछ था कि वो दे सकते। और जहाँ तक हम बात करें 75 साल से ऊपर के, उसमें कोई टैक्स में रियायत नहीं दी है, सिर्फ एक रिटर्न फाइलिंग में रियायत दी है बस। वहाँ पे इन्होंने किया है कि आपको रिटर्न नहीं फाइल करना है अगर आप के पास सिर्फ पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम है, बट अदरवाइज आपके ऊपर सारी चीज़ें एप्लीकेबल है। जहाँ तक हम बात करें कि एक इंडिविजुअल को बेनिफिट्स नहीं मिले और ये सब नहीं हुआ, वहाँ पे गवर्नमेंट ने कोशिश करी कि वो कुछ ना कुछ चीज़ें दे, जैसे कि अफोर्डेबल हाउसिंग है, अफोर्डेबल हाउसिंग को इन्होंने बढ़ाया गया, एक साल और दे दिया। वहीं हम देखेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो 45 लाख की लिमिट है इसको ये 75 लाख से 1 करोड़ तक कर देंगे, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में 45 लाख इज नॉट वो एक अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं है। हाँ। वो कहीं ना कहीं बढ़ानी चाहिए थी, लिमिट वो नहीं बढ़ाई गई है। जीएसटी पे कुछ रियायतें एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो नहीं हुआ है। वहीं अब ये कन्फ्यूज़न सा मार्केट में हुआ हुआ है, सबको एक कन्फ्यूज़न है कि पेट्रोल और डीजल पे इन्होंने जो फार्म सेस लगा दिया उससे पेट्रोल डीजल। चलिए अब एक काम कीजिए, फार्म सेस की बात हो तो एक काम करते हैं, ये जो दोनों टैक्स एक्सपर्ट है ना, ये थोड़ा विचार कर ले कि कैसे कैसे टैक्स लगा। मैं जरा कृषि के ऊपर आपसे बात कर लेता हूँ, आप दोनों तो विचार कीजिए कि टैक्स पे कहाँ प्लस रहा माइनस रहा। लेकिन ये बताइए ना, ये जो अभी वो कह रहे थे कि फार्म सेस लगा दिया, ये लगा दिया, तो ये आम आदमी को इनडायरेक्टली है या फिर डायरेक्टली चोट है? नहीं नहीं, ये कोई चोट नहीं है आम आदमी पे, जब सरकार ने बोला है उस कोई आम आदमी पे बर्डन नहीं है। अरे सर एक बात बताइए, डीजल तो किसान भी खरीदेगा नहीं, ना वो नहीं नहीं, वो सरकार पे करेगी, वो सरकार कहाँ से पे करेगी? वो पब्लिक के ऊपर नहीं है, उन्होंने बोला है, टैक्स में बोला है, वो सेस लगाने की जरूरत नहीं, मैडम ने बोला वो ठीक है, वो मैडम ने बोला कि आम आदमी के ऊपर वो बोझ नहीं है, वो बर्डन नहीं है, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सर मैं तो इस मामले में बहुत अनपढ़ हूँ, मुझे बजट के बारे में भी नहीं पता है। मुझे सिर्फ इतना समझाइए ना, मैं एक क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कहीं खाने गया तो वहां भी जीएसटी पे कर रहा हूँ। हाँ। क्रेडिट कार्ड से अगर मैंने स्वैप करके दिया तो उस पर भी मुझे जीएसटी पे करना है। अब इसके अलावा मेरी इनकम क्या है, मुझे उस पर भी ये दिखाना है, टैक्स देना है। तो भैया आप राउंड द फिगर टैक्स तो हर जगह दे ही रहे हो, पानी की बॉटल भी ले रहे हो उसमें भी टैक्स दे रहे हो, तो फिर आप ये कैसे कह रहे हो कि सरकार अपनी जेब से कैसे दे देगी? सर मैं यही नहीं समझ पा रहा हूं, कहा है ना सरकार ने कहा, मैं यही तो समझना चाह रहा हूं ना कैसे। वो उन्होंने सेस लगाया है, वो एग्रीकल्चर के लिए जाएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, लेकिन वो जाए पे नहीं करना। आप समझ नहीं पा रहे। हाँ। वो जाए जरा मुझे इसको समझा सकते हैं? हाँ, अगर आप लोग समझाइए, क्योंकि देखिए आइए मैं आऊँ। एक मिनट, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कुछ कह रहे हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कुछ कह रहे हैं, एक बार वो ऐसी है, गाँव ऐसी है, मजदूर ऐसी है और युवा ऐसी है, इस अच्छे बजट के लिए वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। बजट में सभी वर्गों का, सभी क्षेत्रों का
ध्यान रखा गया है। बजट में मुख्य रूप से अधोसंरचना विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा कल्याण, कौशल विकास, ग्रामीण विकास, कृषि विकास को राशि का अच्छा प्रबंधन किया गया है। विशेष रूप से यह बजट देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल खुले इस बात का प्रावधान करता है। देश में चाहे गांव की सड़क का निर्माण हो और चाहे नेशनल हाईवे का निर्माण हो, इस दृष्टि से बड़ी राशि इस पर खर्च की जाने वाली है। वर्तमान परिस्थितियां और कोविड के संकट को दृष्टिगत रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय और जन स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है।